भगवंत सिंह मान पंजाब के चीफ मिनिस्टर बहुत बहुत धन्यवाद। आज आही एक कमी है, तालमेल की कमी है। ये आते ने आ लखा बैठे ने आए ने प्रदर्शनियां देखे। यूनिवर्सिटी नू खेतां च जाना पऊगा, यूनिवर्सिटी नू समस्यावां दे कोले यूनिवर्सिटी नू पहुँचना पऊगा, क्योंकि धरती साडी बहुत जरखेज है, उपजाऊ है। जो मर्जी बीज दो उगजूगा। कौम साडी बहुत मेहनती है, 20-20 घंटे कम कर लैंदे आ, सप्पां दीआं सिरियां मध के सब कुछ, परिवार सारा साडा खेती च लग जांदा है। छोटे छोटे बच्चे भी आपदा आपदा जिन्ना जिहड़ा काम उहनां दा हुंदा उह कर लैंदे ने, बजुर्गां तक। कमियां तां इही है कि जे कोई बीमारी लग गई फसल नूं, जे कोई कीड़ा लग गया, उहदा करिए की, किनूं दिखाईए, कीड़ी स्प्रे करनी है। मैं खेतीबाड़ी विभाग दीआं बहुत मीटिंगां बुलाउणा, क्योंकि मैं खुद पिंड रहा, अजे भी पिंड नाल जड़ां नाल जुड़े हुए हाँ। हुण आ मेरे मूहरे बैठे ने सारे पंजाब तों ने, माझा मालवा दुआबा सारा बैठा है। कोई सुंडी लग जाए नरमे नूं, कणक नूं, झोने नूं कोई बीमारी पै जाए, कोई कॉपरेट सोसाइटी वल्लों जां कोई खेतीबाड़ी विभाग वल्लों आपां नूं दस्सण आउंदा है कि आह स्प्रे करनी है, आपां फिर किवें करदे आं, उह वी मैनूं पता है। आपां इक दूजे नूं पुछ के वी गरमेल यार पीले जे खंभां वाली सुंडी लग गई, पत्ते खाई जांदी है, तू कल स्प्रे करी जांदा सी, किहड़ी आ ओए? गुरमेल कहिंदा पता नहीं किहड़ी है, लाल जे ढक्कण वाली है, चक दो सारा पिंड लाल जे ढक्कण वाली है। सो तुसीं साइंसदान बैठे हो, मैं बतौर मुख्यमंत्री तुहानूं हाथ जोड़ के बेनती करदा, सानू लाल जे ढक्कण वालियां तों बचा लो। तुसीं अपने ढक्कणां दे रंग बदलो जी, दसो सानू किहड़ी किहड़ी करनी है, क्योंकि पता ही नहीं कि वह लाल जे ढक्कण वाली, पीले जे खंभां वाली वास जिहड़ी सुंडी उहदे वास्ते हैगी है कम दी जां ना। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਐਦੂ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੈਗੀ। 150 ਮਣ ਦਾਣੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ, 90 ਮਣ ਝੋਨਾ, 60 ਮਣ ਕਣਕ, ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਹੀ ਲਾਈਏ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਧਰਤੀ 150 ਮਣ ਦਾਣੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ 40-40 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ, ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਚਾਹੇ ਟਾਕੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈ ਜਾਏ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਧਰ। ਉੱਥੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਰਫ਼ੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਰਾਨੀ ਜੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 40-50 ਮਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਜਰਬੇ ਜੇ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, 50 ਮਣ ਵਾਲੇ ਮੌਜਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, 150 ਮਣ ਵਾਲੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਉਹ ਕੁੰਡਾ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਖੜਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕੁੰਡਾ ਖੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਹੱਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਘਟਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇਖੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕਣਕ ਦੇ, ਝੋਨੇ ਦੇ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਬੀਜ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮੂੰਗੀ ਦੀ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਮਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੀਜ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿੱਕਤ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ,
हुण उह बीज जिहड़ा चिट्टी सुंडी वाला गुलाबी सुंडी वाला विच ही रह जांदा है। जे अज आपां सारे पंजाब दी धरती नूं तीहर चौहर करके भी बाह दीए आखिरी गली च पा के तवियां पूरा पलट दीए तां भी खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी तो बीज लै लो 25-30% पहलां वाला ही उगूगा विच, क्योंकि वह धरती दे विच आ गया, सोयल दे विच आ गया। ये सानू सफाई करनी पऊगी ताकि उही उगे जो बीज दें, जिहड़ा नहीं चाहुंदे उह उग पैंदा है। एक साडा किसान जिहड़ा बीसी साहब वो आप तजर्बा नहीं करना चाहुंदा, वो आप रिस्क नहीं लेना चाहुंदा। इस काम वास्ते यूनिवर्सिटी कोले बहुत सारी जमीन है, पहला अपनी कामयाबी जमीन की यूनिवर्सिटी की कामयाबी किसानों दिखाई जाए, उस तो बाद किसान जिहड़े ने वो अपने आप यूनिवर्सिटी की गल भी मनणगे, विश्वास भी बनूगा कि हाँ ये पहला हुई है। नहीं तो अगला कहिंदा भी मैं क्यों करा, कोई होर करे, मैं क्यों ये तजर्बा करा। जिन्होंने तजर्बे किए कामयाब भी होए ने, पर MSP की दिक्कत है, उन्हों असी हल कर लगे हुए हैं। झोना जिहड़ा FCI का मैं स्टैंडिंग कमेटी का मैंबर रहा जो MP सी, FCI हाथ खड़े करी खड़ी है, कहिंदे साढ़े कोले 5 साल का झोना पिया आने वाले 5 साल का, साडा खेड़ा छड़ा दो। जिस वेले लोड़ सी ग्रीन रेवोल्यूशन वेले लोड़ सी उस वेले तां आपां तो झोना लै लिया, कणक लै ली, पर हुण उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, बिहार इन्हां दीआं जमीनां चल पईआं, लोड़ उधरों पूरी होण लग गई। हुण मौले बलद वांगू आपां नूं कहिंदे ने छड्डो, असीं नहीं लैंदे झोना, थोड़ा सा कम लैके छड्डण दी तैयारी है। जदके झोना जिहड़ा ओह असी सेंटर पूल दे विच सब तो वध दिंदे आ, सब तो वध झोना पंजाब दिंदा सेंटर पूल च, जदके चौल साडी खुराक है नहीं। आपां दसवीं वाले दिन खीर बनाउने आ बस, वैसे तो रोटी खाने आपां, आपणे दाल रोटी वाले आपां तां। पानी 1 किलो चौल पैदा करन वास्ते 3800-3900 लीटर 4000 लीटर दे लगभग पानी खर्च दिंदे आ। मेरी गल ध्यान नाल सुन लिओ, मीडिया वाले भी खड़े ने, वीरो आपां अपने देश नूं चौल नहीं दे रहे, आपां अपने देश नूं पानी देता। जे आपां किते किसे पानी पीण वाली आ जिहड़ियां कंपनियां ने बिसलरी हुरी इन्हां नाल गल कीती हुंदी, अपना तो जिन्ना पानी निकलता सी ठंडा तो मिठा निकलता सी, वो पहली पत्तण दा सी, ऐं भर लेंदे चाहे आपां ओक ला के पींदे रहे हां, ते अज वो पानी अपना तीजी लेयर ते चला गया। मैनूं एक साइंटिस्ट ने दस्या कि जिन्नी हॉर्स पावर की मोटर, जिन्ने हॉर्स पावर की मोटर नाल आपां थल्लों पानी लैने झोने वास्ते, जिन्ने हॉर्स पावर की मोटर नाल आपां झोने वास्ते थल्लों पानी कढ़दे आ, उन्नी ही हॉर्स पावर की मोटर नाल खाड़ी मुल्कां वाले तेल कढ़दे आ। आपां तेल वाली लेयर ते जा वड़े थल्ले, इस तों अगे तां हुण लेयर भी खत्म हो सकती है। नासा वालियां दीआं रोज़ साढ़े कोले रिपोर्टां आउंदियां ने, पर इहदे विच मैं कहना किसान दा कसूर नहीं। MSP दे दो किसी होर फसल ते, असी सूरजमुखी बीज लाँगे, बाजरा बीज लाँगे, असी सब्जियां ला लाँगे। $120 बिलियन दी $120 बिलियन दियां दालां कोलंबिया ते मोजंबीक तो भारत मंगाउंदा है। मैं ये नीति आयोग की मीटिंग दे विच कहा सी, मैं कहा साडी ड्यूटी लाओ, असी दालां नाल थोड़े भंडार भर देंगे, उधर नूं भेजण ला देंगे, पर साडियां दालां खरीदो तो सही ना, साढ़े कोलों खरीदो तो सही ना, असी तो फिर बेचा कित्थे, उगा तो बहुत वधिया लवांगे, बेचा कित्थे। मार्केटिंग MSP हुण झोने की मिलती है तां बीजदे आ,
जे कोई बदल मिल गया एकदम आपां छड़ दांगे। किसान भी चाहुंदा कि मेरा खेड़ा छुटे, पर MSP मैं खेतीबाड़ी का जिहड़ा विभाग है सेंटर का नीति आयोग है मैं उन्हां सारयां नूं लिख के दिता है, सीधी जी गल है साथों मक्की बिजा लो, जे 5 किले मक्की बीज ली 5 किले झोना ला लिया, 10 किले ने किसी जिमीदार को, जिन्हें उन्होंने झोने चो बचे ने उन्ने उन्हू मक्की चो बचने चाहिए, नहीं अगले साल फिर झोना लाऊ भी मैं ठेका लिया तजर्बे कर, मैं तो झोना लाऊ, सही गल है ना। जे थानू उन्ने ही पैसे बचन भावें कंपनसेशन दे गौरमेंट जिमें मर्जी हो खर्चा घटावे जिमें मर्जी उन्ने ही पैसे बचन जिन्ने झोने चो बचते हैं, तुसी हस के मक्की अगले साल 5 तो 7 किले कर दोगे, क्योंकि क्योंकि पहला आपां इह करदे रहे हां। नौजवान मुंडे अज देख के मैनूं बहुत वधिया लग्या, नौजवान मुंडे इत्थे आए हुए ने, मैं नौजवान मुंडियां नूं खास तौर पर बेनती करनी चाहुंदा कि गुरु नानक साहब ने कहा सी उत्तम खेती मध्यम व्यापार निखिध चाकरी, खेती पहले नंबर पर, व्यापार दूजे नंबर पर, नौकरी तीजे नंबर पर। अज इहदा उल्टा कर लो, असीं नौकरी लैण वास्ते जमीन वेचण नूं तैयार हाँ, नौकरी पहले नंबर पर आ गई, खेती तीजे नंबर पर चली गई। खेती मजबूरी का धंधा क्यों बने बई, भी चलो जे कोई होर नहीं कुछ हुंदा तां खेती कर लैने, खेती लाहेवंद धंधा बने तां MSC करके आ कुछ जिहड़े सन्मानित कीते ने अगां वधू किसान, इन्हां तों भी सिक्ख्या लईए, फैले विद्या चानण होए, सानू दसो कि तुसीं किवें 4-4 किल्लिआं चों एड्डी वधिया कबीलदारी चलाई जांदे हो, ते असीं ठेके ते लैके 40-40 किले भी असीं करजे थले आ गए। सो जे वधिया तकनीकां होण तां नौजवान मुंडे जिहड़े ने उह खेती नूं धंधा बना सकदे ने। वियतनाम एक कंट्री है, कुछ नहीं हुंदा सी उत्थे, सब कुछ इंपोर्ट करदे सी, सब कुछ बाहरों मंगाउंदे सी, उह तों बाद ऐसा पासा पलटिया, अज वियतनाम जिहड़ा है उह सब कुछ एक्सपोर्ट करदा है, क्योंकि उन्हां ने नवीआं तकनीकां अपना लईआं, उन्हां ने नवीं टैक्नोलॉजी अपना ली। खेती हुण बीज के बट्टा पा के जिंदरे नाल उस बाद पानी लाउण तक सीमित नहीं रही, खेती दे कल्ले कल्ले बूटे नाल भी कंप्यूटर जोड़ना पऊगा। यूनिवर्सिटी ये कोशिश कर रही है, मैनूं अज देख के चंगा लग्या कि बहुत सारिया नवीआं तकनीकां शुरू कीतीआं गईआं ने, पर जदों दुख उदों हुंदा जदों लैके इत्थों ही जांदे आ बीज, बाद च पता नहीं ओह किवें निकलिआ हुंदा होर, क्योंकि हर चलो 5 उंगलां एक सार नहीं हुंदियां, जिहड़े छेती पैसे कमाउणा चाहुंदे होणे जां वध पैसे कमाउणा चाहुंदे होणे उहनां नूं शायद इस गल दा नहीं पता होणा कि कोई गल नहीं, अज तुसीं नकली बीज बेच दोगे अन्नदाते नूं, कल नूं कितें ना कितें जाके नकली बीज तुहाडे घरे भी पहुँचणगे किसी ना किसी तरीके नाल। सो इस करके आपां नूं सारिआं नूं रल के हंबला मारना पऊगा। पहली वार होया कि आपां थोड़ा थोड़ा सोचण लगे हाँ कि पानी बचाउणा है, धरती बचाउणी है, 5 आब 5 पाणी अपने सूबे दा नाम, कल्ले नाम च ही पानी रह गया हुण, ना धरती च है, आ नाल सतलुज जांदा है काले रंग दा, यही सतलुज दा पानी लैके गुरु साहब ने 13 अप्रैल 1699 नूं आनंदपुर साहब अमृत बनाया सी, पवित्र अमृत बनाया सी ऐसे सतलुज दा पानी लैके। अज उह पवित्र अमृत वर्गा पानी लुधियाणे तक पहुँचदे काले रंग दा हो जांदा, अगे जांदे जांदे कैंसर दी फैक्टरी बन जांदा। इनू आप कहांगे, इनू पानी कहांगे, नहीं है। इस तरह ब्यास का हाल है, नदियां नहरां कस्सियां का हाल है, कस्सियां तो खत्म ही हो गई, पहले कस्सियां च नहाउंदे सी, कस्सियां च असी पानी पी भी लैंदे सी, इन्ना वधिया पानी हुंदा सी। हुण साडे पिंड विच दी इक चोआ लंघदा है, सरहंद चोआ, उहदे च नहाउंदे रहे आ, उहदे च मज्जां भी बिठाउंदे रहे आ, बिल्कुल मतलब थला दिखदा हुंदा सीगा उह चोए दा, कल्ला हुण उह नहीं, जिथे मर्जी
वो मैनू एक साडे पिंड दा बंदा कहिंदा कहिंदा हुण जे किसे ने नहर च छाल मार के मरना होवे कहिंदा नहर च छाल मारन दी लोड़ नहीं। मैं की गल हो गया कहिंदा किनारे ते बह जाओ घंटे बाद कहिंदा जिहड़ियां रसायणां जिहियां गैसां जिहियां निकलदियां उहदे नाल आप ही मर जाओगे। इन्ना कुछ पाता जी उस जो गैसां जो पोल्यूटड वाटर डंप हो रहा है असी आपदे घरों कूड़ा बाहरले कंध के परले पास सुट के कह दें असी सफाई करती परले पास तो गंद पै गया ना। सफाई उदों होगी जो सारे घर साफ होंगे। बहुत सारिया तकनीकां कूड़ा खत्म करने वाली लेके आ रहे हैं। पराली बहुत वड्डी समस्या हुण पराली ते आ जांदे आ। मैं पार्लीमेंट 'च बोलिया सी भी एक पासे तो बड़े माण नाल कहने हो कि इस बार असी इन्ने लख टन झोना पैदा करांगे ते मैं कहां थोनू ये नहीं पता हुंदा भी इन्ने लख टन जो झोना पैदा हो नाल उदू वध लख टन पराली भी पैदा होगी ते पराली वेले तुसी कह दिंदे हो परचा करांगे। झोना लै लिया पराली नूं अग नहीं लाउणी परचा करांगे। ये किहड़ा मैं कहा भी अपराधी अन्नदाता बनाता तुसी भी मैथों झोना तो लै गए चौल लै गए तो जिहड़ी रहिंद खूंद है जे मैं उहदा कुछ करदा तो मेरे ते परचा होगा। ये परचे वाला अन्नदाता तो मैं सुनिया नहीं कदे। सो इस करके मैं दो तीन दिन सानू होर दिओ गौरमेंट वालों बहुत सारे अफसर बहुत सारे एक्सपर्ट देश विदेश के असी बुलाए हुए ने कि कोई हल कर लिए। मैनू बी सी साहब ने दस्या कि जिन्हां ने 3 साल तो पराली नहीं फूकी बिच ही वाहती उन्हां दी 2-2 क्विंटल कणक की आमद जिहड़ी है कणक की कणक का झाड़ बदल गया बद गया क्योंकि वह फास्फोरस ते नाइट्रोजन बन गई वो जिहड़ी पराली है। पर सानू पराली फूकण का सब तो वड्डा कारण वो किसे नूं नहीं बताउणा। पराली फूकण का सब तो वड्डा कारण उसे नूं पता है जिहड़ा पिंड रहिंदा होवे। मैं दस्या उत्थे जाके वो कहिंदे वी क्यों फूकदे ने कहिंदे तुसीं बसां ते लिख के लाओ पराली ना फूको कंधां ते लिखो प्रचार करो पराली ना फूको। मैं कहा जी मेरी सुरत तो पहलां दा लिखिया होया बसां ते हम दो हमारे दो पापूलेशन घट गई ना वो दो ने ना वो दो ने। मेरी सुरत तो पहलां दा लिखिया होया दुल्हन ही दहेज है दाज लैणों हट गए नहीं हुण। मैं कहा जी कोई इहदा तरीका लभो। कहिंदे लाउंदे क्यों ने मैं कहा जी लाउंदे तां ने एक फसल तो दूजी फसल तक सिर्फ 10 दिन ने। झोना बीज दिवाली के वेले नेड़े तेड़े बेच के आवांगे नवंबर के पहले हफ्ते कणक बीजनी है वो 10 दिन च ना तो कितने रोही वाले खेतों ले जा सकते हैं उन्होंने ढो सकते हैं कितने लैके जाइए फिर उन्होंने वो सीखा की डब्बी कम आ भी चलो फिर हूँ की करिए। मैं पूछा उत्थे एक मुंडे मैं कहता हल की है। मैं तो यह पूछा भी चलो मुख्यमंत्री वलों पूछा जाए लोगों तो भी पराली का हल वह कहना जी पराली का कोई हल कर दो। मैं यार तू ही दस पराली का हल है क्या साढ़े को सीखा ही डब्बी है जी। तो मैं क्या यार सीखा वाली डब्बी नहीं आप वरतनी। सो यदा जोड़ा बायोगैस दे जा होर प्लांट लग रहे ने एक 18 तरीक न उद्घाटन करोंगे लहरेगा के कोले एक विदेशी कंपनी ने लाया 33 टन एक दिन च 33 टन पराली जिहड़ी है उह जाऊगी वह गैसां बढ़ाउणगे। गैस कंपनी नाल कोई रहिंदा सी उहनां दा कोई समझौते दा रौला सी वह क्लीयर कराता। अगले साल तो आपां किसे ना किसे होर रल मिल के मैं नहीं कहिंदा कि सरकार ऑर्डर देवे ते तुसीं खेती करो ना तुसीं दसो कि आपां की कर सकदे आ सरकार थोड़े नाल चले सरकार दे जिहड़े ऑर्डर ने। मैं फिर कहना सरकार दे ऑर्डर जिहड़े तुहाडा तुहाडियां समस्यावां च फर्क आ जांदा है। सो इस करके तुहाडे मुताबक चलांगे तुसीं दसो की बीजना है उहदी फिर मार्केटिंग पैदा करांगे उहदी प्रोसैसिंग हो जाए। तुहानू सुन के हैरानी होगी पठानकोट की लीची दुनिया च सब तो वध मिठी मन्नी गई है। जे लीची नू पैक करके मार्कफेड वर्गी कंपनी नोडल एजेंसी बना के बाहरले मुल्कां च भेज दी कंटेनर ने आपां तो भरे जाने कंटेनर इन्नी वधिया चीज़ है वो।
अबोर फाजिलका दे किन्नू गन्ना गुड़ असी वेरका नू डबल ट्रिपल कर रहे हैं वेरका नू, क्योंकि वेरका दा दुध, वेरका दा पनीर, वेरका दी खीर, वेरका दियां पिन्नियां, वेरका दी पंजीरी दुनिया च नहीं किते मिलदी। तुसी बाहरले मुल्कां नू भेज दो, अपना पंजाब तक एक इको एक सूबा है पंजाब जिदियां बहुत सारियां ब्रांचां ने, वैनकूवर च भी एक पंजाब है, टोरंटो च एक पंजाब है, कैलीफोर्निया च दो तीन पंजाब ने, लंडन च एक पंजाब वसदा है, आस्ट्रेलिया च दो तीन पंजाब ने। वो आपदे घरों आई हुई चीज़ नू पहला जे लिखा होवे पंजाब दा प्रोडक्ट वह पहला बिना खोले खरीद लैणगे, बिना चैक करे भी अपने पिंडों आया समान, अपने पिंडों आया समान। वो सियाने कहिंदे आ कुड़ी भावें जिन्ने मर्जी वड्डे घर च वेही जावे पर उहदी इक ही तमन्ना रहिंदी है मेरे पेक्यां वल्लों ठंडियां हवावां दे बुल्ले आउंदे रहिण। सो जदों पेक्यां वल्लों समान जाऊगा, पेक्यां वल्लों पिन्नियां ते पंजीरियां जाणगियां, तुसीं देखो सही आपां तों उहदा जिहड़ी सप्लाई है उहदी डिमांड है उह पूरी नहीं होणी। पर उहदे वास्ते आपां नूं प्रोसैसिंग प्लांट चाहीदे ने, इकल्लियां गल्लां नाल नहीं होणा कम, प्रोसैसिंग प्लांट लगण, प्रोसैस करिए उहनूं। जिस तरह इत्थे हुण सन्मानित किया गया कच्ची हल्दी जां सरपंच साहब बैठे है, इन्हां ने आपदे हिसाब नाल कर लिया कम। बहुत सारे अजे पिंड ने जिन्हां नूं देखण जांदे आ लोक, कोऑपरेटिव सोसाइटियां इन्नियां कामयाब करतीयां। सो आपां की करदे आ हुण अपने वाले पासे आ जांदे आ, आपां की करदे आ जे गवांडियां ने वड्डा ट्रैक्टर लिआंदा ओह तों 2 लख महंगा लिआउणा है भावें खड़ाउण नूं घरें जगह ना होवे, ओदी हिक ते मूंग दलना है बस। वो आदमी बहुत दुखी है जिसका पड़ोसी सुखी है। जे गवांडी कार ले ले आपां इह नहीं सोचदे कि असीं भी मेहनत करके तो वड्डी कार लवांगे, आपां इही सोच जांदे कोई गल नहीं मार लै हारन कदे झरीटां पाऊंगा, और झरीटां पा भी दिंदे जांदे जांदे लंघदे लंघदे ऐ। सो ये अपने च ये है भी असी दूजे तो प्रभावित होंने, वो खर्चे वधदे ऐ। तुसी देख लो अज व्याहां ते खर्चा, कदे किसी ने नोट किया व्याहां दा खर्चा किन्ना है? कदे नानका मेल आया, दादका मेल, नानका मेल, कदे कोई ब्याह वाली मतलब लगती है अपन स्थिति भी ब्याह है इत्थे। हुण सब तो वधिया ब्याह किहड़ा मन्नया जांदा है? जिथे एक दूजे की गल ना सुने, मतलब दसते भी नहीं आके भी फलाना की कुड़ी का ब्याह सी बहुत वधिया ब्याह किया, तू देख ला मैं ते दर्शन दोने आपस अद्धा घंटा बोल गए, सानू एक गल भी समझ नहीं आई आपस, वो लग्या होंदा डीजे पैसे सुट्टी जाने, मुड़ के अगले दिन देखते हैं बटुए का हाल की है। सो थोड़ा जिहा आपां नूं अपने खर्चों पर कंट्रोल करना पऊगा। ए इस वास्ते तुसी ना करो कि गौरमेंट ही इहदा कोई पाबंदी लावे, हालांकि पाकिस्तान ने ला रखी है, पाकिस्तान ने 100 बंदे तो वध बरात नहीं जा, मतलब ब्याह इकट्ठ नहीं हो सकता, 3-3 तो वध सब्जियां नहीं हो सकदियां। पर मैं नहीं इस चाहुंदा कि हजा कुछ भी आपां गौरमेंटा तो लईए, जे आप ही आपां ये रिवाज चला लीए। पिंडां च बहुत सारे इहो जिहे रिवाज ने जिहड़े खत्म हो सकते ने, अगां वधू मुंडे हैगे ने और वो खत्म कर सकते ने, जे एक घर ने खत्म करता दूजे नूं आप ही होंदा यार ठीक है चलो चल पिया रिवाज, हुण आपां ये रिवाज नूं बंद करिए, पहलां दे रिवाज बने हुए ने। सो इस करके वो तो वो गल है, नहीं तो असीं दूजे पासे नूं जाने। एक बंदा सीगा उन्हें भगती की, रब प्रगट हो गया, वो भी जिहड़ा भी देवते की भगती की प्रगट हो गया, वो कहिंदा भी तेरी भगती तो मैं खुश हाँ, तू मंग की मंगदा, पर एक गल ये है भी तेरे गुआंढी ने तो इतों दुगनी भगती की है, चल हुण मैं आया तो हुई हाँ नाल उहनूं भी मिलेगा, पर जो मंगेगा वो तो दुगना तेरे गुआंढी नूं मिलेगा। हुण जे एक कार मंगदा तो उधर 2 मिलदियां ने, जे 2 लख मंगदा उधर 4 मिलेगा। उन्हें की मंगया फिर? वो कहिंदा जी मैनूं एक अख तो काणा करके मेरे घर दे मूहरे एक खूह पट दो। मतलब वो तो अन्ना होगा नाले 2 खूह पट्टे जाएंगे, वो तो डिगे ही डिगे है बस, आप काने हो जाएंगे पर उन्होंने नहीं जोड़ देना सी। सो वीरो आपां ये खूह पट्टण वाली जिहड़ी सोच है इहनूं बदलीए। जे सारा पिंड कामयाब होगा ना तो फिर सारा जिला कामयाब होगा, जिला कामयाब होगा तो सारा पंजाब कामयाब होगा। इस नज़रिए आपां नूं चलना पड़ेगा। बाकी मैं खुद मैं आप
बहुत बचपन तो खेती करते रहे हैं। मेरे तो उदों हजे क्लच ते ब्रेक ते मतलब पैर भी नहीं आते होंगे सी, जो आइशर हुंदा सी साडे कोले, ते उदों तो मतलब ट्रैक्टर चलाउण लग गए सी। नरमा भी असी उस वेले बीजदे हुंदे सी इधर सनाम वाले एरिए च, हुण नहीं। रगोर उदों मोनोक्रोटोफास भी हुंदी सी, स्प्रेयां भी करते रहे हैं। ये तो मैनूं पता नहीं भी जिहड़ी स्प्रे असी करदे सी उहदे नाल सुंडी मरदी है कि ना, पर इन्ना कु पता सी भी आ ढोली खाली हो लैण तो नींबू वाला पानी मिलेगा, नींबू वाला गिलास पी के भी चढ़े ना, है ना। सो हुण तां तकनीकां नवीआं आ गईआं, बहुत सारे मैनूं बहुत खुशी हुंदी है, बहुत सारे नौजवान मुंडे मेरे कोल आउंदे ने, कहिंदे ने जी असीं खेती करदे हां ते असीं इन्ने चो आ करदे हां, इन्ने चो आ करदे हां। हजे डुल्ले बेरां दा कुछ नहीं बिगड़िया, अपने कोल गुरू साहब दी बाणी च लिखे लफज़ ने, पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत। साढ़े कोल हैगे ने तिन्नों, पर बचा लिए दर्जा बचा लिए, पवन हवा, हवा नूं गुरु दा दर्जा असीं कायम नहीं रख सके, पाणी पिता पाणी नूं असीं कायम नहीं रख सके, ते माता धरत। सो साढ़े कोल तिन्नों हैगे ने, बचा लिए बस इन्हां नूं। ते आपां मैनू कोई शक नहीं इस गल च कि नंबर वन स्टेट पंजाब जिहड़ा वो फिर बनूगा। बहुत बारी पंजाब डिग्गया है, पर मैं उन्होंने ये कहना चाहुंना जिहड़े पंजाब प्रति नैगेटिव बोलते हैं कि उन्नी बारी पंजाब उठाया भी तो हैगा ना। सुजीत पात्र साहब दियां लाइनां ने, की होया जे पत झड़ आई तू अगली रुत्त विच यकीन रखी, मैं लभ के लिआउणा कितों कलमा तू फुल्लां जोगी जमीन रखी। कलमे आपां लभ लांगे पर जमीन तां बचे फुल्लां जोगी, जे कलमे लभ ले जमीन ही है नहीं फुल कित्थे गावांगे फिर आपां, पानी है नहीं फुल किवें गावांगे फिर आपां। सो मैं कोई तुहाडे तो सियाणा नहीं हैगा, मैं मेरे नालों बहुत वड्डी उम्र दे मेरे पिता जी मेरे दादा जी दी उम्र दे सियाणे लोग मेरे सामने बैठे जिन्हां ने बहुत सारिया नेरियां झक्खड़ देखे हुए ने, जिन्हां कोल तजर्बा है। तजर्बा बहुत वड्डी चीज़ है, तजर्बा जिहड़ा ना कहिंदे तजर्बा वो कंघा है जिहड़ा बंदे नूं उदों मिलदा जदों वो गंजा हो जांदा है, उदों कंघे की लोड़ नहीं रहिंदी। इस करके जे वो कंघा बालां वेले लैणा है तां दूजिआं दे तजर्बे तो फायदा उठाओ, दूजिआं दे तजर्बे तो फायदा उठा के तुसीं आप उस कंघे दे मालक बन सको उस वेले जिस वेले वाल ने। सो जे कोई तजर्बा कीता किसी ने कामयाब होया फॉलो करो कि हाँ यार जे वो काम कर सकदा मैं क्यों नहीं कर सकदा। थोड़ा जिहा यह मैं गल्लां तुहाडे नाल सांझियां करनियां सी, पराली बारे दो तीन दिनां च फैसला करांगे कि इहदा करांगे की, बाकी पुछ भी रहे हां कि इहदा हल की है। यूनिवर्सिटी जिहड़ी है वह भी बहुत सारा साइंटिस्ट जिहड़े ने वह हैल्प कर रहे ने, ते अगलियां फसलां होर किहड़ियां होण हुण इत्थे वीर बन के इत्थे मतलब इहनूं सिर्फ घूमण फिरन वाला थां ना समझो, रुको स्टाल ते रुको, उन्हां तों जानकारी लो भी की है, सवाल पुछो भी जे भला ऐ हो गया फिर इहदा की हल है। सो ये मेले च आउण दा ताइयों फायदा होगा कि मेले च गए सी कुछ बी तां लै के जाने जाने ने इत्थों, पर नाल सिख्या भी। कल नूं तुसीं कोई काम धंधा करन बारे सोच रहे हो उहदे बारे अज ही इत्थे जाओ कि मैं उन्हां तों पुछ के आवां, जे कल नूं भला मैं ऐ करना होवे तां उहदे वास्ते की करना पऊगा। थोड़ा जिहा भविख वाली सोच आपां रखीए ताकि अपना पानी रेंदे रेंदे अपनी धरती की उपजाऊ शक्ति रेंदे रेंदे आपां इन्हां चीज़ां नूं बदल के आपां गुरु साहब की बाणी के मुताबिक चल रही है। धनी राम चातरक जी ने लिखिया मेहनत ते किसान की मेहनत ते, वो कहिंदा ककरी रात सियाल दी धरती सुन मसान, ककरी रात सियाल दी धरती सुन मसान, पिछले पैर तरेल दे मोती जम दे जान, खलकत सुती अंदरी निगियां बुकलां तान, जे मूँह कढ़ीए बुकलों पाला आवे खान, इस वेले जां जाग दे तारे बिच असमान, जां कोई करदा भगत जन खूहे ते इसनान, जां कोई किस्मत दा बली जाग रहा किसान, पानी लाउंदिआं हथ पैर जी दे नीले हुंदे जान। साडी मेहनत ते शक नहीं कोई कर सकदा, इत्थों असी 20 रुपये 50 रुपये लैके अमरीका कनेडा गए हुए हाँ, उत्थे जाके असी कामयाब हो गए,
पंजाबी पूरी दुनिया च कामयाब ने, पंजाब च क्यों फेल ने? सिस्टम, सिस्टम साथ नहीं दिंदा। हुण सिस्टम तुसीं आपदे हाथ च लै लिया, हुण सिस्टम थोड़े हाथ च है, हुण इहनूं आपदे मुताबक चलाओ। जे हुण भी आपां सिस्टम नूं अपने हाथ च लै के अपने नाल दे अपने अपने वर्गियां नूं आपां जिहड़ियां बड़ियां बड़ियां पोस्टां ते बिठा के भी आपां कामयाब ना होए, फिर आपां नूं गैर जिहड़े ने उह लांभे देणगे कि तुसीं आप चला के देख लिया फिर की हो गया। सो इस करके आप समझो कि हाँ यह मेरा काम है, ये ना समझो सरकार का काम है। चलो भी आप चलीए कट्ठे होके बसा रोकीए, कट्ठे होके उधर मुरदाबाद के नारे लाइए, आपां उहदा हल लभीए, हल लभीए भी ये क्यों हो गया, कारण की सी, कुदरती करोपी है जां की है। सो मैं यही गल थोनू कहना, जे किसान दे, जो मेरी सोच है, जे किसान दे धी पुत कोल हर रोज़ की इनकम आने लग जाए जा महीने बाद इनकम आने लग जाए, वो 100% खेती पर डिपेंडेंट ना हो, हर रोज़ की जिमें दुध वगैरह का हर रोज़ की इनकम आए, जा कोई नौकरी करे उन्हूं महीने बाद पैसे आन, तो फिर अद्धे पौने घंटे की जिहड़ी बरसात है ना बेमौसमी जिहड़ी उहदी कबीलदारी नूं लीहों ला दिंदी है, उन्हूं फिर वो चलण जोगा हो जूगा कि कोई गल नहीं, हुण मैं कोई गल नहीं, इधरों पैसे आउंदे ने ठीक है। हुण की है 100% खेती ते आ, 15 मिनट गड़े पै गए, गड़े तो बट नूं बट भी छड जांदे आ, 15 मिनट गड़े पै गए, कबीलदारी ली तो लै जांदी है सारी। सो आपां हुण हुण अज दी डेट च यह है, मेरी खास हथ बन के बेनती है, खुदकुशियां कोई हल नहीं हैगा। हुण अज जे बापू पिछले जे पैर भरना लई मोढ़े ते खेत वल जांदा होवे तां मुंडा जिहड़ा है उह मगर जांदा है कितें कोई भाणा ना वरत जे, बापू कल्ला तुरिया जांदा फसल मर गई। तो जे कोई मुंडा नौजवान मोटरसाइकिल लैके शाम को 5 बजे तो बाद घरों निकलता है, बापू साइकिल लैके मगर जांदा भी कितें बुरी संगत च ना पै जाए, कितें कोई ड्रग वाले वो चिट्टे वालियां दे मगर लगे हुए हैं, थोड़ा जिहा टाइम दे दिओ। क्योंकि देखो एकदम आपां कोई चीज़ इन्ना ज़्यादा इन्होंने जाल फैलाया होया, उस जाल नूं कट के उस जाल नूं एन क्लीयर करके तुहाडे सामने लैके आवांगे। असी खेडां कीतियां, हुण स्कूलां वालियां खेडां चल रही ने, भुल गए सी ना आपां जिमनास्टिक, बास्केटबाल, वालीबाल, 50 मीटर, 100 मीटर, 1000 मीटर लंबी छाल, उच्ची छाल सारा भुल गए सी, सिर्फ टीवी ते देखते सी क्रिकेट। सो कृपा करके सानू थोड़ा जिहा साथ दिओ, आपां इहो जिहे मौके प्रदान करांगे कि तुहानू इधर उधर होर कितें देखने की लोड़ नहीं पैनी। मेरे को 3-4 वीडियो आई ने, मैंने बहुत खुशी हुई जिदे विच एक बाप ने कहा कि मेरा मुंडा 35 लख रुपया मंगता सी, मैं भी इकट्ठे कर लग गया सी, 20 लख हो गया सी कि कनेडा जाना है, तो अचानक मुंडा कहिंदा कि बापू मैं नहीं जाना, कहिंदा मैं क्या भी की गल होगी, कर लाँगे होर 15 रख ही रह गया आपां, कर लाँगे होर। वो कहिंदा नहीं, हुण सरकार जिहड़ी आ बिना पैसों तो बिना सिफारिश तो नौकरियां देण लग गई, मेरी भी बारी पक्का आऊगी, पक्का आऊगी। एक रुपया कोई तुहाडे तो सिफारिश मंग जे, एक रुपया तुहाडे तो कोई रिश्वत मंग जे भी आह मैनू पैसे दे दे मैं तैनू भर्ती करा दूंगा, यह हो ही नहीं सकता। इस गल ते मेरे ते यकीन रखियो, एवें कितें आपदे वल्लों पैसे फड़ा ना दिओ, क्योंकि अपने ना अपने अपने खून दे विच आ गया, ये अपने माइंड दे विच रिश्वत जिहड़ी है आपां समझण लग गए भी इह तों बिना काम नहीं होना। एक कितें पटवारी जिहड़ा ना, एक तहसीलदार कितें ईमानदार लग गया, ईमानदार तहसीलदार लग गया, वो रिश्वत नहीं लैंदा सी, बजुर्ग गए कहिंदे भी आ रजिस्ट्री है, तहसीलदार ने साइन किए बजुर्गों ने थलों दी 10,000, वो कहिंदे बजुर्गो ये की है, वो कहिंदे जी 6 महीने पहला एक होर सी पहला थोड़े तो इस कुर्सी पर उदों इन्नी जमीन दी कराई सी इन्नी लगे सी, वो कहिंदे नहीं नहीं ये नहीं चलने, कहिंदा अच्छा अच्छा रेट बढ़ गए किन्ने दे ये होर, वो कहिंदा होर नहीं बापू जी
जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती। कल्ले कफन जिहड़ा है ना वो तो कोई सियाण नहीं बजी होंगी, और जिन्ना पिछे बंदा पाप करता ना वो सूरज भी नहीं छिपन देंदे। वो कहिंदे कोई गल नहीं, कोट शमीर वाली पूआ बाद च आ जू, फुलां ते केरां चक्को केरां चक्को, परिवार च माहौल ठीक नहीं हैगा, रोटी पकाउणी है। उन्हां वास्ती मरदा रहिंदा सारी उम्र, वो सूरज भी नहीं छिपन देंदे। वो कहिंदे बाद देख लांगे फुलां ते। सो इस करके एक दूजे की सहायता करो, जे कोई गरीब गुरबा थोड़े कोल आउंदा है रोजी रोटी लई, जरूर उन्हूं रोजी रोटी दे दो, क्योंकि जे किसी के मूँह च बुरकी पैंदी है तो इस तो बड़ा कोई पुन नहीं। पता नहीं रब केड़ियां रंगां च राजी हुंदा है। मैनू कई बार कुछ इहो जिहे बच्चे मिल लैंदे ने जिहड़े फिजिकली ठीक नहीं हुंदे, लोग कहिंदे जी नहीं इहदे नाल नहीं मिलाउणा तुहानू, इह ठीक नहीं हैगा। मैं कहा जी कोई गल नहीं, मिला दो, मैनू फोटो भी कराओ, ना जाने किस भेस में नारायण मिल जाए। की पता रब किहड़े भेस च अपने टैसट लैंदा फिरदा है वी तुहानू असीं इनसान बनाया सी, एक दूजे दे काम आउंदे हो जां नहीं। सो वीरो बहुत बहुत थोड़ा धन्नवाद, थोड़ा मैं इन्ना टाइम लै लिया, तो मैं सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद करदा। तुसीं इसे तरह प्यार ते सत्कार दिंदे रहो। आ बाकी जिहड़े बोलदे ने इन्हां ते इन्हां दी परवाह ना करिआ करो, ठीक है ना। ये पहली तुसीं इन्हां दा काम करता, हुण आपां नॉट मैं, आपां सिस्टम दे मालक हाँ, जिवें कहोगे उवें करांगे। बहुत बहुत धन्नवाद, दोनों हाथ उपर चक के दो नारे ला दिओ, इनकलाब जिंदाबाद, बोले सो निहाल, जय श्री अकाल। बहुत मेहरबानी, हौली जायो, आराम नाल जायो। धालीवाल साहब, धालीवाल साहब, दो मिनट मान साहब नूं सर असीं